Now, determine change in oxidation number in oxidant and reductant. Determine change in oxidation number in oxidant and reductant per mole. Determine change in oxidation number in oxidant and reductant per mole. What is oxidant? ये क्या होता है ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड व्हाट इज रिडक्टेंट? रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना है पर मोल. समझ में आया पहला पॉइंट? अभी मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले आप पॉइंट समझ लो है क्या. क्या पॉइंट लिखा आपने? आपको ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना है पर मोल. एक मोल में कितने का चेंज है ये निकालना है. ठीक है, ठीक. इसी में आगे कर लीजिए. सिंप्लीफाई एंड इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर लो बेटा. सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस चेंज. सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस चेंज बाय इट द नेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल. बाय इट the net loss and gain of electron becomes equal. इतना करने से loss और gain of electron बराबर हो जाते हैं. By it, the net loss and gain of electron becomes equal. जितने loss होते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं? Gain. अभी मैं आपको समझा लूंगा क्या है. Just आप एक बार read करके देखो, language समझ में आ रही है आपको क्या है. ठीक है, बाकी language से कम मतलब है, खाली sense से मतलब ज्यादा है. ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला हेडिंग है कि आपको सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, वो भी पर मोल में. और उसके बाद उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. और क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई एंड क्रॉस. ठीक, सेकंड पॉइंट. पहले पॉइंट लिखा रहा हूं फिर अप्लाई करना सिखाऊंगा बेटा. सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट शायद आपको समझ में आ जाए. Balance elements other than oxygen and hydrogen. बोलो बेटा, second point समझ में आया क्या है? Balance element other than oxygen hydrogen. जैसे आपने पिछली बार किया था कि oxygen hydrogen को छोड़ के सबको balance किया था. मतलब अगर एक तरफ chromium दो है तो दूसरे दो कर दिए, एक तरफ sulfur चार है तो दूसरे अपने आप चार कर दिए. वही काम यहाँ करना है. Balance किसे करना है? Other than oxygen hydrogen. ठीक है, third point. अब क्या करेंगे? अब क्या करें? बैलेंस ऑक्सीजन. ठीक है, अब सारे पॉइंट पिछले वाले लग रहे नहीं लग रहे? बैलेंस ऑक्सीजन विद यूज ऑफ, वेरी गुड, वाटर. बैलेंस ऑक्सीजन विद यूज ऑफ वाटर. बैलेंस ऑक्सीजन विद यूज ऑफ वाटर. अगला, वेरी गुड, बैलेंस हाइड्रोजन विद यूज ऑफ एच आयन. इस इक्वेशन में या इस तरीके में एक अच्छी बात है, बार बार वाटर और एच आयन नहीं आते, एक ही बार आते हैं. मतलब उसमें तो दोनों क्रम आ सकते थे, दोनों इक्वेशन, इसमें एक ही इक्वेशन में आते हैं. बैलेंस हाइड्रोजन विद यूज ऑफ एच आयन. बेटा आखिरी पॉइंट क्या था? अगर मीडियम बेसिक बनाना है तो H2O, सॉरी, अगर मीडियम बेसिक बनाना है तो OH आयन ऐड करेंगे दोनों साइड जितने एच आयन हैं. और जैसे एक बच्चे ने कहा कि क्या अगला पॉइंट वो लगा दें कि इलेक्ट्रॉन लगाने वाला, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लगाने. क्यों नहीं लगाने? उस मेथड का नाम था आयन इलेक्ट्रॉन. इसमें आयन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है. और जो बेटा इलेक्ट्रॉन लगाने वाला पॉइंट था ना, वो सबसे पहले हो चुका है. बस यही इसमें और मेथड में अंतर, वो सबसे पहले कर. लिखो जल्दी से. टू चेंज मीडियम इनटू बेसिक एड OH आयन बोथ साइड. To change medium into basic, add OH ion both side equal to H ion present. अगर medium को आपको बच्चों basic बनाना है तो OH ion दोनों तरफ लगाएंगे. कितने OH ion? जितने H ion है. ठीक है, add OH ion both side equal to H ion. अब बच्चों समझना स्टार्ट करिए इस मेथड में क्या है.
सपोज पहले एक बहुत सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने इक्वेशन सिंपलेस्ट लिखी है MnO4-, देख लो पहले बोर्ड पे आराम से, प्लस सिंपल रख रहा हूँ Fe+2 गिविंग यू Fe+3 प्लस Mn+2 और साथ में यार कहीं ना कहीं HIN लगे होंगे, कहीं ना कहीं वाटर लगे होंगे, वो अपने आप आते जाएंगे, व्हाटएवर। अब देखिए हमारा तरीका क्या है या बुक्स जो कह रही, आप सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स। यहाँ आपको साफ दिख रहा है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ आयरन का 3 है, जहां उसके इजी रखा है मैंने, एक 2 एक 3, समझ में आया बेटा। ये इस आयरन रिएक्टेंट में चेंज कितने का आ गया, 1, कोई डाउट? ये वाला आयरन 2 था, बाद में यही वाला आयरन आगे जाके आयरन प्लस 3 में चेंज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो चेंज कितने का आ गया, 1 आया। नेक्स्ट यहाँ H+1 है, यहाँ भी +1 है, O-2 है, यहाँ भी -2 है, तो H और O में चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक कॉमन सेंस रखना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो कोई तो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा, तो कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ थोड़ी स्पीड रखिएगा, +7 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ +7 यहाँ +2 कितने का चेंज है, 5, तो यहाँ पे 5 का चेंज आए, बोलो समझ में आया। तो दोनों के हमने चेंज निकाले, पहला काम क्या है, ये हमारा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाता है रिडक्टेंट, उसमें 1 का चेंज आया है, ये ऑक्सीडेंट है, ये +7 से +2 कितने का चेंज आया, 5, क्लियर। और बेटा मैं आपको बताऊं, ये वही नंबर है जो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में आते थे, जब आपने पिछली वाले मेथड में जो चार्ज बैलेंस किया था ना, गारंटेड इसे लिख के दिखाऊंगा तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसे लिखूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये वही नंबर है। जिन बच्चों को पिछला मेथड अच्छी तरीके से समझ में आया है उनके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ये पिछला मेथड था, पिछले मेथड में Mn Ml बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन 4 वाटर 4 वाटर 8 HIN, 8 +-1 +7 हो गया और ये +2 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन ही तो आए, समझ में आ रहा है। तो वो जो पिछले मेथड में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे वही इस मेथड में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, नथिंग अदर, ठीक है। तो अब हमने चेंज निकाल लिया, तो यहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करना है, इसका 2 है, इसका 3, चेंज 1 का, यहाँ +7 +2 चेंज 5 का, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डन। तो ये वाला 5 यहां चला गया, ये 1 यहां आ गया, तो MnO4- +5 आयरन आयन Giving you iron +3, यहाँ कुछ चेंज नहीं किया मैंने, मैंने खाली रिएक्टेंट में चेंज किया, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा कॉमन सेंस लगाओ कि प्रोडक्ट बन किसकी वजह से रहे, बनाने वाले तो यही है, यही तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो ये बन रहे हैं, बस हमें इनसे मतलब है। एक बार फिर दिखा रहे हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो, इस Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए थे, एक आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, 1, और 5 आयरन आ गए, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस 5 इलेक्ट्रॉन का गेन बराबर हो गया नहीं हो गया, लॉस एंड गेन बराबर हो गया नहीं हो गया। अब जरा आप पहला पॉइंट फिर से पढ़ के देखो, मैंने आपको क्या कॉपी में लिखाया है, मैंने आपको पहला पॉइंट ये लिखाया है कि सबसे पहला काम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसे सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उस मल्टीप्लाई के बाद लिखा होगा उस मल्टीप्लाई से लॉस और गेन बराबर हो जाता है, यानी लॉस और गेन इक्वलाइज हो गया तो चार्ज बैलेंस, समझ में आया। तो अब ये हो गया आपका पहला पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, बोलो क्लियर है? फिर से देख लीजिए, इस इक्वेशन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पहले +7 है, बाद में +2 है, तो Mn में चेंज 5 का है, आयरन में +2 है, बाद में +3 है, आयरन में चेंज 1 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड है ही, तो MnO4- as it is रहेगा, 5 आयरन +2 होगा, और फिर ये आयरन +3 Mn+2 और वाटर आ गया। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद तो हिट एंड ट्रायल है, क्या है इसके बाद, यहाँ Mn1 यहाँ 1, यहाँ आयरन 5 यहाँ भी 5 कर दो, इसके बाद आप हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ये रेशियो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, मतलब जो भी आप कर रहे हैं बैलेंसिंग उसमें आपने यहाँ चार्जेस बैलेंस किए हैं तो ये चार्जेस डिस्टर्ब नहीं हो तो अच्छा है। अब ऑक्सीजन 4 है,
तो बड़ा ज्यादा दिमाग लगाइयो, चार ऑक्सीजन है चार वाटर। कई बच्चे पता मुझे क्या कहते हो, देखते हैं सर ऑक्सीजन यहाँ चार है, यहाँ तो एक है, तो तीन ही वाटर ऐड करने चाहिए। अरे बेवकूफ, जो एक है वो भी तो वाटर में ही है, तो तीन वाटर और लिखेगा, तो मिला के तो चार ही वाटर लिखने पड़ेंगे तुझे, चार ही लिखियो। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आठ है, तो यहाँ पे आठ कर दो, एच आए बैलेंस हो गए। और अब चाहो तो एक बारी ओवरऑल चार्जेस देखो, बैलेंस दिखने चाहिए, प्लस एट माइनस वन प्लस फाइव टू जे टेन, प्लस टेन और प्लस एट प्लस एटीन, है ना, सही बोल रहा हूँ, प्लस टेन प्लस एट प्लस एटीन और माइनस वन प्लस सेवनटीन लग रहा है मुझे तो, फाइव थ्री फिफ्टीन टू सेवनटीन, बोलो क्लियर। तो मतलब आप रिएक्शन बैलेंस करने के बाद चाहे तो खाली एटम्स मत देखिएगा, चार्जेस भी, ठीक है। सारे पॉइंट पहले पढ़ के देखो, फिर अगला क्वेश्चन खुद करेंगे आप। पॉइंट्स पढ़िए, पहला पॉइंट क्या है, अब इसमें वो बच्चे जल्दी कर लेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में स्पीड चाहिए, फिर उसे सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हिट एंड ट्रायल बैलेंस करना है। तो पिछले मेथड और इस मेथड में अंतर ये है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हो जाता है, उसमें सबसे लास्ट में हो रहा था, और वो थोड़ा लेंथी मेथड था, इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ो फिर बाद में दोनों को जोड़ो, थोड़ा लेंथी था, ये आपको इजी लगेगा, और इसीलिए मैं इसे बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या, इसे पहले पढ़ा दो ना, क्वेश्चन आयन इलेक्ट्रॉन से आता है, तब भी बच्चा करना नहीं चाहता आयन इलेक्ट्रॉन से, उसे इजी मेथड से आता ही होता है, तुरंत कर दे। पढ़ लिए सारे पॉइंट, स्टार्ट कर, एक बार रिवाइज कर लीजिए पॉइंट। करें शुरू, चलिए अब मैं आपको एक एक करके जो आप गलतियां करते हो समझाते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है Cr2O7 माइनस टू, और क्योंकि इजी रखना चाह रहा हूँ इसलिए ये मैंने लेट सपोज SO3 माइनस टू लिखा है, और ये बना दिया SO4 माइनस टू और Cr प्लस थ्री। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे गलती करते हो बताऊंगा, और मैं एच आई नो वाटर नहीं लिख रहा हूँ, ये एच आइन आएंगे ही आएंगे, यहाँ वाटर आएंगे ही आएंगे, वो अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट, यस बोलो बच्चों, स्टार्ट कर लिया। पहले मैं चेक कर लेता हूँ आप लोग कॉपी इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा। बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो हो ही नहीं सकता ना, चेंज तो तभी निकालो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अगर आप गलती कर रहे हो तो इस मेथड से आप कर ही नहीं पाओगे ना बेटा। कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया आपका, थोड़ी सी गलती है वैसे, बाकी आपने किया ठीक है, गुड। थोड़ा इसमें आप एक बारी और फोकस करो, ये जो नंबर लिखा ना एक बारी और, नहीं तो ये वाला पॉइंट पढ़ो तो आपको समझ में आएगा अरे क्या गलती कर ली। बेटा आपने भी वही गलती की जो पहला पॉइंट दोबारा पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए, और मैंने कहा था ना छोटी छोटी गलतियां मैं आपको बताऊंगा, सेम मिस्टेक आप कर रहे हो। इस पॉइंट को जरा ध्यान से पहले पॉइंट को फिर से पढ़ो। लो बेटा कहाँ किया आपने, स्टार्ट तो करो बेटा, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं तुमने। बस करो बेटा, स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जी करो तो भैया, शुरू तो करो आप लोग। हाँ बेटा स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं।
देखिए बच्चों, पहला पॉइंट, अधिकतर बच्चों ने, जो बच्चे ठीक से कर रहे हैं उनसे भी मिस्टेक हुई है, बाकी तो कर ही नहीं रहे, तीन चार बच्चे सही से कर रहे हैं, बाकी तो पता नहीं कौन सी दुनिया है। ये देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यही नहीं निकल रहा है यार, हद हो गई। क्रोमियम को x मानेंगे तो क्रोमियम को 2x होगा, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, सेवन ऑक्सीजन का निकालना है, सबका एडिशन माइनस टू के इक्वल लगता है। अब ये पीछे मतलब आगे के दो रोज तीन रोज छोड़ दो, पीछे एक भी बच्चे ने ये काम नहीं कर पाया, मतलब ये तीन रोज कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और इसीलिए कहते हैं बेटा ऑफलाइन आना चाहिए, ऑफलाइन में एटलीस्ट आपकी औकात मुझे पता तो चल रही है क्या है, है ना। तो यहाँ जब आप करेंगे 2x equals to 12 और x equal to 6 आएगा, जो ये आगे के बच्चों ने कर लिया था, that's good, इनका आंसर ये 6 आ गया। और इन्हें यहाँ ये दिख रहा है ये 3, तो 6 और 3 में चेंज 3 का है, गुड, इन बच्चों ने यहाँ तक सही लिखा, ठीक है बेटा। बट आपने एक लाइन पढ़ी नहीं, हमने ऊपर क्या लिखा है, डिटरमाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पर मोल, इस पूरे मोल में कितने का चेंज है, और इस मोल में तो दो क्रोमियम एटम है, एक क्रोमियम एटम में 3 का चेंज है, तो पूरे मॉलिक्यूल में तो 6 का चेंज हो गया, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक थी, तो मैंने पहले ही कहा था जो आप गलतियां करते हो वो ये गलती है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज सही निकाल रहे हो, फिर भी आंसर गलत होने के चांसेस है, आपको पर मोल याद नहीं रहता। ऑब्वियसली यहाँ सल्फर का 4 है और यहाँ सल्फर का 6 है, और इसलिए सल्फर में चेंज 2 का है, और ये आपने बेटा ठीक निकाला था, यहाँ कोई गलती नहीं है, आपका ठीक था, यहाँ 2 का चेंज और वहां आपने 3 लिखा था लेकिन वो 6 आना था। अब समझ में आ गया। अब अगर किसी बच्चे को डाउट है ये सल्फर का कैसे आया, तो एक बार फिर बता देता हूँ, सल्फर का हम x रखेंगे, माइनस टू इंटू थ्री करेंगे, इक्वल टू माइनस टू रखेंगे, x माइनस सिक्स माइनस टू आएगा, तो x 4 ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर कोई कहे कि वह SO4 में, तो खाली यहाँ O 4 हो जाएगा, उस समय ये भी 4 हो जाएगा, और जब ये 4 हो जाएगा तो ये 6 आंसर आएगा, इज इट क्लियर। इसके बाद की बैलेंसिंग बहुत आसान है, मतलब मेन पॉइंट यहाँ का यही था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकालना। अब बच्चों इसे सिंप्लीफाई करो, 1, 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई 1 से क्या कहें, तो ये हो गया Cr2O7 माइनस 2 और 3 टाइम्स सल्फाइड आयन गिविंग यू सल्फेट आयन। इधर मैंने कुछ भी चेंज नहीं करने की इच्छा है, ये रखा है। नाउ अब क्या करें, हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 करो, यहाँ 3 सल्फर है, यहाँ 3 करो। पहले क्या बैलेंस करते हैं, एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फर थे, सल्फर बैलेंस हो गए, क्रोमियम थे, क्रोमियम बैलेंस हो। अब ऑक्सीजन देखें, ये मुझे 7 दिख रहे हैं, ये 9 दिख रहे हैं, 9 प्लस 7 16, 3 4 12, 12 प्लस 5, नो 12 प्लस 4 सॉरी, ठीक है एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 7 9 7 16, और यहाँ पे 3 4 जा 12 और 4 16, लास्ट इज 4 हाइड्रोजन यानी 8 H आए, 4 हाइड्रोजन यानी 8 H आए। नाउ अब आपको समझ में आया क्या करना है, एक बार चार्जेस देख लेते हैं, यहाँ चार्जेस कितने आ रहे हैं, माइनस 2 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 8, और माइनस 8 ये प्लस 8 ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 प्लस, ये भी 0 हो गया, यानी बैलेंसिंग सही आया। समझ बेटा आपको मिस्टेक समझ में आई, आपकी मिस्टेक क्या थी, पर मोल आपने नहीं निकाला था, और अगर वहां मिस्टेक हुई तो पूरे में गलती होगी, क्लियर है। हेलो क्या
नाउ अब ये हमने सपोज बनाया है सल्फेट आयन प्लस Mn प्लस को करिए बैलेंसिंग, यहां वाटर वहां एच आयन, यहां वाटर यहां एच आयन, लेट्स स्टार्ट। चेक करें मैंने भी इधर ही लगाया। एच यही लिखते हैं, सबसे पहले वाटर बैलेंस करते हैं ना, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा आप ही का फोन आ रहा था, बता जी। हाँ बच्चों बताओ बेटा, कितनी जल्दी कर, ये क्या है चार्ज, क्या है ये, माइनस वन है बेटा, यहाँ माइनस वन ही तो रखेगी। सडन डन, बच्चों एक सेकंड दीजिए बस, मैं इनका कॉपी में चेक कर रहा हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट में बोलता हूँ। क्या गया है यार, इसका क्या चार्ज आया है, चेंज तो कब निकालोगे, जब कहीं चार्ज लिखते हो दिखाओगे। हाँ भैया ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग, तू तो मैं शुरू करूं सही हो जाओ, कहां कर रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर अभी देख कर, आगे करो आगे करो, और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते यार। अब माइनस टू के इक्वल कैसे रख दिया, यार चार्ज क्या है ऊपर, माइनस वन है, तो ये माइनस वन है तो माइनस वन के इक्वल रखो, तो सेवन आएगा। सही, गुड, बाकी बैलेंसिंग देखो, चार्जेस सही बैलेंस किया, मतलब गुड गुड। ये इधर शुरू के बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा आपने यहाँ पे ना माइनस साइन देखा नहीं, बोर्ड चेक करिए, देखो MnO4 के ऊपर माइनस है, उसकी वजह से आपका बेटा कॉपी इधर रखो, गुड। ये नंबर ये मैं देख रहे हैं, नंबर सही है उधर, सही करो भैया, इतना टाइम भी लगा, गुड सही है, गुड। कई बच्चों ने ये सही किया है, वेरी नाइस, इस बारी पिछली बार से अच्छा लगा ये, स्पेशली इधर के सारे बच्चों ने, इधर भी दो तीन बच्चों ने, ये प्लस सेवन से प्लस टू और ये चेंज फाइव का है, और ये प्लस सेवन कैसे आया मैंने बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कई बच्चों ने अभी भी ये गलत किया था, ये एक्स है, ये माइनस एट है, ये माइनस वन है,
ये माइनस लिखना पड़ेगा और इसलिए प्लस सेवन आएगा। तो जिस जिस बच्चे ने यहाँ माइनस नहीं लिखा उसने नाइन लिख दिया, एक आध बच्चे ने ये देखा ही नहीं तो उसने एट लिख दिया, तो उनसे गलतियां आई। सेवन आ रहा है शुरू, प्लस टू है, प्लस सेवन से प्लस टू फाइव का चेंज है। नेक्स्ट जो अधिकतर से मुझे उम्मीद थी मिस्टेक की वो ये, यहाँ सल्फर का माइनस टू है, यहाँ प्लस सिक्स है, माइनस टू से प्लस सिक्स का चेंज एट का होता है। तो ये कई बच्चों ने बिल्कुल सही किया है कि माइनस टू से प्लस सिक्स तक एट का चेंज है, उन्होंने फोर नहीं लिखा। नहीं तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सिक्स और टू डिफरेंस फोर लिख देते हैं, जबकि यहाँ माइनस टू है और बाद में प्लस सिक्स है। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दोनों के साइन सेम होंगे, ये एड होके आएगा और इससे मतलब नहीं है ये प्लस है या माइनस है। तो ये चेंज एट का आएगा एंड दैट्स वेरी गुड। या क्रॉस मल्टीप्लाई आप एट और फाइव से करेंगे, और यही मैं आपकी कॉपी में नंबर्स देख रहा था खाली, बाकी मैंने नंबर्स देखे ही नहीं है। ये मेन पहला पॉइंट था। इसके बाद तो हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग है, यहाँ पांच सल्फर है यहाँ पांच कर दो, वहाँ एट एम एन है यहाँ एट कर दो, यहाँ ऑक्सीजन एट फोर जो 32 है, फाइव फोर जो 20, 20 प्लस 12 32, 8 4 टाइम 32, 20 प्लस 12 32, 32 का मतलब 64 HIN, सॉरी 12 टू 24 HIN। आई होप सो ये बैलेंस आई होगी। अब चार्जेस एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, प्लस 24 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 6 बच रहा है इधर, ठीक है, और प्लस 10 माइनस सॉरी माइनस 10 प्लस 16 प्लस, दैट इज दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस है। तो ये जो आखिरी में कई बच्चे कह रहे हैं ये क्या किया आपने, ये मैं एक बार चेक कर रहा था खाली, ऐसा तो नहीं कि एटम्स या आयंस बैलेंस हो गए चार्जेस बैलेंस नहीं। तो इस तरफ जो नेट चार्ज आएगा वही नेट चार्ज उधर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आया समझ। अब आप लोग अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकाल पाओ तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। आप कह रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकालना, कुछ गलती करोगे तो चलो समझ में आता है कि हाँ आपसे साइन छूट गया, मिस्टेक ये तो वो तो बताई जा सकती है। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकालना आते तो क्या करो, क्या है नहीं। चलिए फिर से अगली क्वेश्चन में, ठीक है तब करें नहीं? चलो इसको एक हम ना एक हायर लेवल क्वेश्चन करते हैं, देखते कौन बच्चा मुझे करके दिखाता है। Fe2 plus O2 giving you Fe2O3 plus SO2. ये एक हायर लेवल क्वेश्चन कहलाता है, थोड़ा सा हायर लेवल है और ये ABC बुक में या NCERT में पहला क्वेश्चन है रेडॉक्स में बैलेंस करने का। स्टार्ट। ये टफ रहेगा इसलिए मैं थोड़ा आपको टाइम दे रहा आराम। चलिए देख लीजिए करेंगे, चलो आप लोग करो, मैं इनकी कॉपीज में देखूं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। ये सब क्वेश्चन है मैं आपको पहले कह चुका हूँ थोड़ा सा। Mm-hmm.
गलत है। हाँ यही यही से क्वेश्चन अनफाइंड गलत गलत। बेटा चलिए एटलीस्ट कुछ कोशिश तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मैंने पहले कहा ये थोड़ा हायर लेवल मैंने दे दिया, थोड़ा फास्ट हो गया मुझसे। चलिए बता रहा हूँ, देखिए बेटा एक्चुअली ना ये थोड़ा सा हायर लेवल इसलिए है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ अकेला है जीरो है, ठीक है जीरो है, वहां ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बन चुके हैं तो माइनस टू है, तो एक ऑक्सीजन में ये शुरू में जीरो और यहाँ के माइनस टू हो रहा है तो कितने का चेंज है टू का, और दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में चेंज फोर का। चलो पहला पॉइंट तो सभी बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, पहले मैं इजी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ बताने के लिए। इसमें पहला पॉइंट आसान मैंने बना के या आसान बता दिया कि इस ऑक्सीजन का जीरो है, बाद में ऑक्सीजन का टू है, चाहे यहाँ माइनस टू है, तो ऑक्सीजन जीरो से माइनस टू जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये जो ओ टू है यानी दो एटम है, एक एटम में टू का चेंज है तो दो एटम में फोर का, बोलो क्लियर है। एक अब इसका टफ पार्ट या टिपिकल सेकंड पार्ट बच्चों, ये जो कंपाउंड है आयरन सल्फाइड, इसका नाम है फेरस सल्फाइड, दैट मींस आयरन की ना आपको पता होगा दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो प्लस टू या प्लस थ्री, तो यहाँ आयरन प्लस टू है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है चार बार, तो यहाँ आयरन प्लस टू है और यहाँ आयरन प्लस थ्री है। अगर आपने निकाल के देखा हो यहाँ कैसे प्लस थ्री है, दो आयरन के एटम है और दोनों का एडिशन सिक्स आ रहा है, इसलिए एक का एडिशन या एक का, तो आयरन में चेंज कितने का आया है बच्चों वन, यहाँ तक समझ में आया आयरन में चेंज वन का, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट छुपा है, ध्यान से देखो आयरन में कोई डाउट, आयरन शुरू में प्लस टू है और बाद में आयरन प्लस थ्री है, इसलिए आयरन में चेंज कितने का है वन का। पूछो ये कंपाउंड है फेरस सल्फाइड, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और अगर ये फेरस सल्फाइड है तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लिखता है, कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ सल्फर का माइनस वन है, क्या सल्फर का माइनस वन है, ठीक है, या तो ये कहें कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बना है वैसे, और नहीं तो कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है आयरन का प्लस टू है, दो सल्फर है और दोनों का एडिशन यानी सबका एडिशन जीरो आना है, एक सल्फर का एक्स दोनों का टू एक्स, तो यहाँ टू एक्स की वैल्यू माइनस टू और एक्स की वैल्यू माइनस वन, बोलो समझ में आया सल्फर का कितना है माइनस वन। बेटा एक कॉमन सेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनाते हैं यार, आयरन का चार्ज टू है ऑब्वियसली दूसरे का माइनस वन होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ये यहाँ, तभी तो कंपाउंड बना था FeS2 में आयरन प्लस टू है सल्फर माइनस वन है। हाँ बेटा सल्फर यहाँ आगे कितना हो गया, आया समझ में फोर, सल्फर वहां जाके फोर कैसे हो गया, SO2 है, SO2 में S का X रखो और ऑक्सीजन का माइनस टू रखो, दो बारी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो X माइनस फोर जीरो, X इक्वल टू फोर, दैट मीन सिंपल सी बात है इसकी, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि SO2 में सल्फर फोर होता, बेटा सल्फर में चेंज कितने का हो गया फाइव, ये है माइनस वन वो है प्लस फोर, माइनस वन से प्लस फोर चेंज कितने का फाइव, और फाइव का चेंज है लेकिन सल्फर है दो, तो सल्फर में चेंज टेन का, इज इट क्लियर, सल्फर में चेंज टेन का समझ में आया, एक सल्फर में फाइव का चेंज, दो सल्फर में टेन का। अब जो मैं चीज लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए, आयरन का प्लस टू से प्लस थ्री बेटा बढ़ाता या कम हुआ था, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का माइनस वन से प्लस फोर बढ़ा या घटा है, ये भी बढ़ा है, यानी इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने भी किए, इसने टेन इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने वन किया है, पूरा कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेवन, आ रहा है समझ में, क्योंकि दोनों ही लॉस कर रहे हैं, दोनों ही लूजर्स हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने टेन, तो मिला के इलेवन का लॉस हुआ है और गेन कितने का हुआ है फोर का, समझ में आया, इसका ये टफ पार्ट था। इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके बाद आपकी टेंशन नहीं है, ये 11 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ
ये 11 यहाँ, अब 4 आयरन है, 2 2 जा 4, 8 सल्फर है, 8 सल्फर, ऑक्सीजन बैलेंस आएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख स्टार्ट बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें चेक करना होता है हर चीज का ऑक्सीडेशन नंबर। ये है Fe(S2) और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 और SO2 बना रहा है। सबसे पहले हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। यहाँ आयरन का +2 है, सल्फर -1 है, ऑक्सीजन 0 है, ये आयरन +3 है, ये ऑक्सीजन -2 है, सल्फर 4 है और ये -2, ये सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं। तो यहाँ आयरन का +2 से +3 1 का लॉस हुआ है, ये 1 का लॉस, एक इलेक्ट्रॉन। सल्फर -1 से +4 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, लेकिन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं और इस पूरे कंपाउंड ने 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ये 0 से -2 गेन कर रहा है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दोनों पूरे मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करने, और अब हमें लॉस और गेन बराबर करना है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं 4 Fe(S2) + 11 O2 गिविंग यू, अभी पहले तो सिंपल ही लिखा है मैंने, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ रिएक्टेंट में किया गया। और अब ये 4 आयरन है, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 करो, 8 सल्फर है, ये 8 आ गए। ऑक्सीजन आप चेक करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 22 है, ये 8 2 16 + 6 22 ऑक्सीजन बैलेंस। बोलो आया समझ में? ये टफ क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कहा था कि लिटिल बिट हायर एंड पे दे रहे। क्या मतलब? क्यों नहीं हो सकते? लेकिन लॉस और गेन जिस किस में होना है उस पर आप फोकस करेंगे। अब जैसे इसमें वाटर होता, H2 होता, CO2 होता, कोई और चीज होती जिसमें चेंज ही नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा फोकस किस पे है? पहला पॉइंट, जितना लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन होंगे। यहाँ बैलेंसिंग का फोकस किस पे है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस उन्हीं दो पे फोकस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही है, बाकी सबकी हिट एंड ट्रायल बैलेंस। बोलो बच्चों, क्लियर है ये वाले क्वेश्चंस? ठीक है, और टफ करें हैं? सिंपल करते हैं, चलिए लिखे बेटा सिंपल क्वेश्चन। Ci2O7 - 2 + C2O4 - 2 giving you CO2 + Cr+. Very good. बाकी वही लेफ्ट हैंड साइड HN और राइट हैंड साइड वॉटर आएंगे, वो मैं ना भी लिखूं तो आप समझ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन दिया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करना है हाइड्रोजन ना, क्योंकि कई स्कूल्स में हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है बेटा, इसमें एक हेडिंग वैसे और है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट वो 12th में पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी में आती है। कुछ स्कूल वाले अभी कहते हैं अभी पढ़ लेंगे, अभी होनी चाहिए, वैसे 90% नहीं कहते, क्योंकि उन्हें मालूम है 12th में ये बहुत डिटेल में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम 12th में पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक के स्कूल में कोई कहता है तो हम 3 दिन का टॉपिक है, 2 से 3 दिन लगते हैं उसमें करा देंगे। बताया जाए ये इजी है।
डन क्या हो गया, इसका नाम है C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। डन चलिए चेक करिए, यहाँ क्रोमियम का +6 है, यहाँ +3 है। क्रोमियम में वैसे तो 3 का चेंज दिखेगा लेकिन नेट 6 होगा। ऐसे ही कार्बन का शुरू में +3 आएगा, बाद में कार्बन का +4 आएगा, 1 का चेंज दिखेगा लेकिन इसका भी चेंज हमें 2 का मानना पड़ेगा क्योंकि कार्बन यहाँ 2 है। सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अब इक्वेशन लिखेंगे Cr2O7-2 3 times oxalate ion giving you CO2 and Cr+3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग में 2 क्रोमियम है 2 करिए, 6 कार्बन है 6 करिए, ऑक्सीजन 3 4 12 + 7 19, तो यहाँ 7 वाटर ऐड कर दीजिए और 7 वाटर के 14 एच आयन यहाँ ऐड कर। बोलो बेटा क्लियर, इट फिनिशेस रेडॉक्स। अब कल एक बार रेडॉक्स की क्वेश्चन बुक से करके आइएगा, अगर आपके डाउट्स अभी होंगे तो रेडॉक्स को एक दिन और पढ़ाएंगे, नहीं तो हाइड्रोजन आपका अगला चैप्टर है जो नेक्स्ट। हाँ, रेडॉक्स में बैलेंसिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ही लिया है, फिर भी अगर आपको और रेडॉक्स में कुछ बुक में मिलता है कल आप ले आएंगे, मैं उसको करा, ठीक है। बच्चे एक बार सुन लीजिए, टेस्ट का इस संडे को आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। अभी आप कोई बात नहीं, वो बेटा स्कूल्स में भी तो होते ही हैं, एक 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 डे में 2 टेस्ट हो जाए, इट इज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली अभी रेडॉक्स करा रहे हैं तो रेडॉक्स का ही लेते हैं, ठीक है। रेडॉक्स करा रहे हैं तो सारे बच्चों ने किया है, तो आप लोग रेडॉक्स का टेस्ट ले तैयार संडे को। Yes, coming Sunday, ठीक है। और जो बच्चा टेस्ट देगा डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा उस, ठीक है, कोई ना कुछ हिडन होगा अगर आप टेस्ट दोगे।